नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्या यार में। और मैं एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आ चुका हूँ आपके साथ कि बॉर्डर्स के ऊपर कुछ ऐसे ही अहम कार्य होने वाले हैं और बॉर्डर्स कब खुलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो भारत और नेपाल बॉर्डर पे BOP खोली जा रही है, बॉर्डर चेक ऑफ पोस्ट, जहाँ से अब ऐसे भी सवाल पैदा हो रहे हैं इसके ऊपर लेके कि क्यों और BOP खोली जा रही है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे बहुत सी BOP बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, बट अब 5 और BOP बॉर्डर्स भी खोले जा रहे हैं। बट क्यों खोले जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि भारत और नेपाल के बॉर्डर से जहाँ से बहुत ज्यादा तस्करी हो रही है, तस्करी होने के कारण ही वहाँ पे लोगों को हंगामा मच चुका है, वहाँ से नॉर्मल लोग हैं उन्हें जाने में तकलीफ हो रही है। तो इसी के कारण वहां पे BOP बॉर्डर ऑफ पोस्ट खोली जा रही है कि ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके और स्मगलिंग जैसे कार्यों को भी रोका जा सके। तो इन स्मगलिंग जैसे कार्यों को रोकने के लिए ही बॉर्डर ऑफ पोस्ट खोले जा रहे हैं। और बॉर्डर्स को खोलने की बातचीत करें हम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रदीप ग्यावली हैं जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर को लेके चल रहे फैसले को वो 14 या 15 जनवरी को भारत पहुंचने वाले हैं और उनका 6ठा दौरा होगा भारत का। और उसमें वो बात करेंगे कि वो कि अगले महीने बॉर्डर्स को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। एक कोरोना का महारूप भी कोरोना ने ले लिया है, उसके कारण बॉर्डर्स को ना खोलने जाने की भी तारीखें और बातें चीतें हो रही हैं। और इसी के साथ कि बॉर्डर्स को खोलने का अहम फैसला इन दोनों भारत और नेपाल सरकार के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद जय नेपाल, बने रहिए हमारी YouTube चैनल के साथ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को